नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जैविक वाटिका में। और वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं सुंदर सुंदर से सर्दियों के फ्लावर के साथ में। और आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज की वीडियो का जो टॉपिक है, अभी जैसे बसंत का महीना ये चल रहा है, शुरू हो चुका है, तो इस महीने में हम अपने गार्डन में ऐसे कौन कौन से ज़रूरी काम हैं जो हमें करने चाहिए, और उन्हीं सारे कामों की आज हम चर्चा करेंगे, बताएंगे कि आप अपने गार्डन में इस महीने में क्या क्या कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को साथ में प्रेस कर दें, ताकि आने वाली जो वीडियोज़ रहेंगी उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो और दिखाते हैं कि कौन कौन से काम हम इस महीने हमें करने चाहिए और हम करेंगे भी साथ में। जैसे हमारे गार्डन में कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो सर्दियों के मौसम में डोरमेंसी में चले जाते हैं, मतलब सर्दियों के मौसम में उनके जो पत्ते हैं वो सारे झड़ जाते हैं, उनकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। यानी कि अब जैसे ही बसंत का महीना शुरू हो जाएगा तो इन पर फिर से ग्रोथ आएगी, और इन पर अगर फ्लावरिंग वाले प्लांट है तो फ्लावरिंग होगी, और फ्रूटिंग वाले प्लांट है तो फ्रूटिंग होगी। तो जैसे ये मेरा अलमंडा का आप पौधा देख रहे हैं, काफ़ी बड़ा हो चुका है, इसकी लगभग हाइट 10 फीट के आसपास हो चुकी है। तो ऐसे पौधों के लिए बहुत ज़रूरी काम करना हमें होता है, और ये बहुत ही राइट टाइम है उस काम को करने का। तो काम क्या होता है, सबसे पहले तो हमने इनकी प्रूनिंग करनी है, ताकि जो आने वाला समय है गर्मियों का, उसमें इनमें अच्छी तरह से ग्रोथ हो और उसके बाद इन पर फूल जो है वो अच्छे आए। तो अलमंडा का पौधा मेरे पास ये रेड कलर वाला है, और एक पौधा और है मेरे पास येलो कलर के फ्लावर उस पर आते हैं। ये हालांकि अभी छोटा पौधा है और ये लगभग 4 साल से मेरे पास गार्डन में बना हुआ है। तो पहले तो इसकी हम प्रूनिंग करेंगे और आपको दिखाते हैं। और प्रूनिंग करने का जो तरीका रहता है वो ये रहता है कि जो आपकी नोड्स हैं जहाँ पर आपको दिखाई देगी, यहाँ से अच्छी जो इसमें फुटाव आएगा और अच्छी ग्रोथ होने के चांसेस है, आप वहाँ से उसको प्रून कर सकते हैं। जिस तरह से देखिए, मैं इसको यहाँ से प्रून कर रहा हूँ, इसके नीचे जो नोड निकली हुई है यहाँ से इसमें नई ग्रोथ निकलेगी और फिर इस पर खूब सारे जो है फ्लावरिंग आएंगी। तो इसी तरह से हमने अपने इस पौधे को सारे को ही हमने इस तरह से प्रून कर लेना है, और मैं इसको प्रून कर लेता हूं, और फिर उसके बाद जब इसकी पूरी कटिंग हो जाएगी तो फिर मैं आपको आगे के स्टेप और क्या क्या काम करने हैं वो दिखाऊंगा। तो इस तरह से हमने इसकी प्रूनिंग कर दी है, और जो दूसरे वाला पौधा था मेरा उसकी भी मैंने प्रूनिंग कर दी है। और अब बारी आती है, तो आपके जितने भी इस तरह के पौधे हैं वो सारे आपको प्रून कर लेने हैं इस मंथ में, ताकि ये जो बसंत का महीना है इसके बाद इसमें फ्रूटिंग जो है इस बसंत के महीने में इन पौधों पर अच्छी ग्रोथ आए और जो फ्लावरिंग है वो अच्छे से डेवलप हो जाए। तो पहला काम तो प्रूनिंग का है जितने भी इस तरह के पौधे हैं, और फिर दूसरा जो काम है वो इनको रिपोर्ट करने का है। अगर कुछ पौधे आपको ऐसे लग रहे हों जिनकी ग्रोथ आपके हिसाब से ना चल पा रही हो, आपको लग रहा हो कि इनकी जो रूट्स हैं वो बाउंड हो गई हों, तो आप उनको रिपोर्ट भी कर सकते हैं। और रिपोर्ट करते टाइम कुछ खास जो ख्याल है वो अपना रखना होता है, कि जो जड़ें हैं पौधे की वो ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, वही रूट्स आप सेलेक्ट करें जो लगता है कि इसकी कटने वाली हैं, और उनको थोड़ा सा ट्रिम करने के बाद आप अपने पौधे को अच्छी तरह से रिपोर्ट कर दें, और साथ में जो फर्टिलाइज़र वगैरह हैं उनको वो साथ में दे दें। तो पहला काम तो हमने प्रूनिंग का हो गया, दूसरा फिर उनको रिपोर्ट करने का है अगर कुछ प्लांट रिपोर्ट करने वाले हैं, तीसरा जो काम रहेगा अच्छी तरह से फर्टिलाइज करने का, क्योंकि ये पौधे अभी तक डोरमेंसी में थे और इन पौधों में अब इनको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, क्योंकि अब इन पर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग आएगी, तो इसलिए इनको एक अच्छा फीड देना बहुत ज़रूरी है। और वो अच्छे फीड में क्या सबसे अच्छा जो रहता है वो गाय के गोबर की जो खाद होती है पुरानी,
वो आप डाल सकते हैं। अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं है तो ऑनलाइन आप वर्मी कंपोस्ट बाई कर सकते हैं, लीप कंपोस्ट भी आप बाई कर सकते हैं, साथ में वो भी दे सकते हैं। और जैसे मैं अपने जो गार्डन है मेरा, उसमें मैं केमिकल वाले फर्टिलाइज़र, खाने वाली जो चीज़ें होती हैं, सब्ज़ियाँ होती हैं, उनमें मैं नहीं डालता हूँ, लेकिन जो फ्लावरिंग वाले प्लांट होते हैं उनमें मैं डाल देता हूँ। तो आप थोड़ा सा DAP भी डाल सकते हैं, तो उससे भी अच्छी जो ग्रोथ है रूट्स की वो डेवलप होती है और फ्लावरिंग अच्छी निकल के आती है। तो ये काम हो गए। अब जो बाकी काम करने हैं, हमने अपनी जो गार्डन की सॉइल है उसको दोबारा से रिचार्ज भी करना रहता है इसी मंथ में, ताकि हमारे आने वाले जो महीनों में हम नए नए फ्लावरिंग प्लांट लगाएंगे या फिर जो सब्जियां लगाएंगे हम, उनको भी एक बेड तैयार करना बहुत ज़रूरी है मिट्टी का। तो उसके लिए भी हमने अपनी मिट्टी को रिचार्ज भी कर लेना है। तो ये काम हमने इस मंथ में अपने करने हैं। और अपना एक चीज़ और करनी है, जो हमारे पौधे हैं उनमें आप नीचे देख रहे होंगे ये इस तरह से पत्तियां वगैरह पड़ी रहती है, तो इनको ज़रूर हटा दें, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले बरसात हुई थी तो जो पौधे हैं अपने वो उनमें फंगस लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे जो अनवांटेड लीव्स हैं या कुछ और पड़ा हुआ है तो अपने गमले पूरे अच्छी तरह से साफ कर दें। ये काम हमने इस महीने अपने गार्डन में करने होते हैं, ताकि हमारा जो आने वाला समर का जो सीज़न है उसमें हम अपने गार्डन को अच्छा रखें और अच्छी ग्रोथ पौधों की मिल पाए। तो यही था आज की इस वीडियो में। मिलेंगे फिर किसी एक और नई वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।